पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू के प्रति अचानक ही कांग्रेस में प्रेम उमड़ने लगा है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ के बयान में करतारपुर कॉरिडोर खुलने का सारा श्रेय नवजोत सिंह सिद्धू को दिया गया है। पंजाब की सियासत में गुरुवार को यह बदली हुई हवा उस समय शुरू हुई जब सुबह सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल होने लगी कि नवजोत सिंह सिद्धू नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं और बैठक में सुखबीर सिंह बादल से संबंध सुधारने को लेकर चर्चा हुई। हालांकि बीजेपी या अकाली दल की ओर से इस मुलाकात की पुष्टि नहीं की गई। इसके कुछ समय बाद ही पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने चंडीगढ़ में कहा कि करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने में सबसे बड़ा योगदान सिद्धू का रहा है जिसे बुलाया नहीं जा सकता। जाखड़ गुरुवार को पंजाब कांग्रेस भवन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उधर डेरा बाबा नाम में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पत्रकारों के सवाल पर सिद्धू को लेकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सिद्धू ने भी गुरुवार को पत्रकारों से दूरी बनाए रखी। बता दें कि कैप्टन और सिद्धू विवाद के बाद गुरुवार को पहला मौका आया जब प्रदेश कांग्रेस की ओर से नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में कोई बात कही गई। ये भी गौर करने वाली बात है कि श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व की तैयारियों के तहत करतारपुर कॉरिडोर निर्माण के मामले में पंजाब सरकार के किसी मंत्री ने कभी सिद्धू का जिक्र ही नहीं किया। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर केंद्र और पंजाब सरकार द्वारा डेरा बाबा नानक में अलग अलग मंच सजाए जा रहे हैं। ऐसे मौके पर कांग्रेस सिद्धू को साथ लेना चाह रही है ताकि करतारपुर कॉरिडोर खुलने का सारा श्रेय अपनी झोली में वो डाल सकें। यानी कि सियासत अब पूरे तरीके से हावी होती जा रही है। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।